नमस्कार मिथिला, अपने लोगन देख रहल छी समदिया डॉट कॉम मातृ मीडिया ने अहक भरोस। आ हम छी मैथिल प्रशांत। आजुक दिन अछि शाम आ समय भ रहल अछि साँझू पहरक चार, अर्थात समय भ गेल अछि समदियाक विशेष परिचर्चा के, जाहिमे हम सब विभिन्न रास मैथिलिक मुद्दा सबके उठाबैत रहलहुँ हैं डिबेट के माध्यम सँ। समदिया परिचर्चा अर्थात मैथिलिक पहिल डिबेट शो आ एकमात्र डिबेट शो जाहिमे हम सब मिथिला मैथिली आ मैथिलक विभिन्न मुद्दा सबके समाहित करैत रहै छी। समदिया परिचर्चा में हम सब बात करै छी मिथिला मैथिल आ मैथिली से संबंधित मुद्दा सब पर। पछिला शनि सँ हम सब मिथिला राज्य पर केंद्रित छी। मिथिला जकर अपन निजगुत भूगोल छै, समृद्ध इतिहास छै, जीवैत जागैत एकटा भाषा छै, फराक संस्कृति छै, मुदा आइ धरि एकर राजनीतिक मानचित्र नहि बनि सकलैए। स्वतंत्रता से पहिने से एकटा फराक प्रांतक मांग होइत रहलैए, मुदा देवे वाला हाथ उठा कर कहाँ देलकै। मिथिला राज्य आंदोलनक बतारी बहुत रास आंदोलन सुहागिन बनल, ससुर वाइस भेल, आब तऽ धियापुता सेहो खेलबैत अछि। धियापुता माने भाषा आधार पर बनय वाला पहिल राज्य आंध्र प्रदेश सेहो विभाजित भऽ कऽ तेलंगाना बनि गेल अछि। तैं कहलहुँ जे धियापुता सेहो खेलबैत अछि, मुदा मिथिला राज्य आंदोलन मैथिली फिल्म जकाँ बूढ़ नेना बनल अछि। असल में मिथिला राज्य आंदोलन कहियो जन आंदोलन बनिए नहि सकल। साहित्यकार आ साहित्य प्रेमीक पीठ पर ई झोंझो खेलाइत रहल, तखन किछु प्रश्न सान्दार्भिक भऽ जाइत अछि जे की मिथिला राज्य बनत, आंदोलन के की रोड मैप हेतै, आंदोलन के जनता सँ कोना जोड़ल जाए, आ सबसे पैघ प्रश्न ई जे की मिथिला राज्य आंदोलन माने पानि देंगे, खखड़ी कूटब। तब विभिन्न रास मुद्दा सब छै जे पर हम सब चर्चा परिचर्चा तक कर रहल छी। आ बजौने छी हम सब तीनटा विशिष्ट अतिथि के। एकटा छथि हमरा सभक मैथिली आंदोलनी आ मिथिला समाज ट्रस्ट से जुड़ल राजीव झा कवि एकांत। तो राजीव भाई अपने के स्वागत है आजुक परिचर्चा में। नमस्कार भाई। दोसर क्षेत्र सुच्चा मैथिली से जुड़ल हमर सभक मैथिली आंदोलनी मिथिला राज्य नव निर्माण सेना से सेहो जुड़ल रहे राम नरेश शर्मा। राम भाई अहाँके स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिला। हमर सबके तेसर जे अतिथि छथि से अंतिक जुड़ नहि पेलथि हँ, यद्यपि ओ बिहारक राजधानी पटना में छथि, पाटलिपुत्र में छथि, तथा नेटवर्क के की समस्या छनि जे जुड़ नहि पेलथि हँ। प्राय ही मिथिला राज्य आंदोलन के संगे रहले है। रत्नेश्वर जी के बजाबे छन तो अखन जुड़ नहीं पाए रहल छन नेटवर्क के मदे। कवि भाई क्या हाल रहले है, अहाँ के आंदोलन जनता से नहीं जुड़ पाए रहल है। जहन जहन जुड़ा के बात आवे छे तो तकनीकी समस्या भ जाइए, की कारण छे? देखियो एहिमे तो वास्तव में कहूँ तो मिथिला राज्य आंदोलन में अपने कहलहुँ जे मैथिली आंदोलनी तो हम ओहिठाम कहऽ चाहब जे इएह थिए छिकै के जड़ जे मिथिला राज्य आंदोलन जे छै ओ लोक सँ नहि जुड़ सकलैए। तऽ मैथिली आंदोलनी अलग भऽ गेला, मिथिला राज्य के आंदोलनी अलग भऽ गेला, विकास के आंदोलनी अलग भऽ गेला। अरे मिथिला चाही केकरा लेल? मैथिल समाज के लेल। ओहि समाज के एकटा भूभाग छै, जे भूभाग मे वास करै छै ओ क्षेत्र, ओहि भूभाग के एकटा भाषा छियै जे ओकर मातृभाषा छिकै मैथिली। तऽ हमरा सबके ई जे अलग अलग कऽ के देखै के जे प्रवृत्ति अछि, ई प्रवृत्ति जे छै कतौ ने कतौ हमरा जनैत बड़ा पैघ कारण रहलैए जे जन जन जनसम्पर्क नहि बनि सकलैए आंदोलन के। हम मिथिला राज्य के बात करै छी तऽ क्षेत्रक विकास के बात नहि करै छी, लोकहित के बात नहि करै छी, भाषा के बात नहि करै छी। भाषा के बात करै छी तऽ हम कहै छी जे हम राज्य आंदोलन नहि छी। ई चीज नहि हेबाक चाही हमरा जनैत। प्रत्येक व्यक्ति के बुझक चाही जे समग्रता मे होइ छै, शरीर के भीतर में विभिन्न अंग छै, ओ अंग मिले के काज करै छै, तखने शरीर बढ़िया से काज कऽ पबै छै, एकटा प्राण तत्व सेहो होइ छै। तो मिथिला राज्य आंदोलन में सबटा समग्र छै, से जहिया हम सब बुझऽ लगबै तहिया सबटा चीज सुव्यवस्थित हेबऽ लागि जेतै, सब वर्ग सब समुदाय सब क्षेत्र हमरा सब संगे जुड़ऽ लागि जाय। राम भाई, कवि भाई कहलखिन कि जे कतौ ने कतौ हम या तऽ कवि राजीव एकांत भाई जे कहलखिन राम भाई जे हम सब या तो मिथिला आंदोलनी भ जाए छी या मैथिली आंदोलनी भ जाए छी, तो कि मिथिला आंदोलन आ मैथिली आंदोलन दोनों फरक फरक छे? नहीं,
देखियो एकटा राज्य के बात अहाँ करै छियै तऽ हमरा लगैए, हमरा व्यक्तिगत एना लगैए जे आब ओ समय चलि गेल छै जब अहाँके भाषाई आधार पर राज भेट जेतै। ई कनि मुश्किल काज छै। अगर से किछु होइतै तऽ आइ तेलंगाना आओर आंध्र प्रदेश दूटा राज्य नहि होइतै किएकि दुनूमे एकटा भाषा छै। तऽ हमरा अखन लगैए अखन अहाँ उद्योग अपना विकासे मुद्दा बनि सकै छै, जे एरिया भारतक जे एरिया पिछड़ल छै तकरा छोट राज्यमे विभाजित कयल जाय, ओकर समुचित विकास हेतै तऽ हमसब एहि पर आगू बढ़ी तऽ काज हेतै। आओर एकर देखियौ मैथिली भारतीय बिहार के जे राजनीतिक परिदृश्य छै, मैथिली के एना साबित करैमे हरदम लागल रहै छै जे मैथिली एकटा किछु जाति विशेष के भाषा छियै। ओकर ओकर जे ओहि परिप्रेक्ष्यमे पहिल भाषा के आधार पर राज्य जे गठित भेलै 58 दिन के अनशन केलखिन ओ रामल्लू रहथिन कोनो जे, तकर बाद हुनकर मृत्यु भऽ जाइ छनि रामरंसन के बाद, तकर बाद ओ भाषा के राज्य भाषा के आधार पर पहिल राज्य आंध्र प्रदेश बनै छै। बता दी जे राज्य पुनर्गठन आयोग जे रहै से भाषा के आधार पर राज्य के खारिज कऽ देने रहै, तकर बाद हुनकर अनशन आरम्भ होइ छै। तऽ जे कि आंध्र प्रदेश भाषा के राज्य पर पहिल गठित होबय वाला राज्य फेल कऽ गेलै, ओ फेर से टुकड़ी भऽ गेलै, तैं आब भाषा के आधार पर राज्य के गठन नहि भऽ सकै छै, मिथिला राज्य नहि बनि सकै छै। जखन कि तखन मिथिला कहबै ककरा, एकटा भाषा तऽ प्राण भेलै ने, ओ पहचान भेलै, प्राण भेलै, तहन भूगोल केना निर्धारित हेतै? देखियो भाई, जी हम एतबे कहब कि भाषा के आधार पर पहिल प्रांत नहि छियै आंध्रा, जकर बात अपने कहलहुँ, स्वतंत्र भारत में भऽ सकै छै। लेकिन अगर देखिए अपने भारतक परिदृश्य में देखिए तऽ ओ उड़ीसा छलै जकरा कलिंग कहि सकै छियै, 1936 ईस्वी में बनल छलै। खैर जहाँ तक बात छै कि जखन भाषाधार मतलब स्टेट रिओर्गनाइजेशन बिल एलै, ओकर बाद आंध्र प्रदेश बनलै, एकटा नॉर्मल कंसेप्ट की भऽ जाइत रहलै एहि बात के ध्यान दै के हमरा सबके, मिथिला और मैथिली के आंदोलन में कतौ से कनेक्शन तारतम्य टूटलै, पहिने भाषाधार आंदोलने रहै। जखन स्वतंत्रता के बाद अहाँ के मिथिला राज्य के गठन नहीं भेल, 60 राज्य के प्रस्ताव छलैया जेमे मिथिला एकटा सेहो छलैया, लेकिन गठन नहीं भेल, आ ओहि काल में गठन नहीं भेलै तऽ जहन मिथिला नहीं बनलै ओकर कारण देल गेलै जे अहाँ के भाषा नहीं अछि, ओहि आधार पर अहाँ के राज्य नहीं बनल। तो वस्तुतः जे भाषाधार प्रांत के जे आंदोलनकारी रहथि ताहि युगक, ओ सब भाषा आंदोलन दिस तखन मुड़ला जे हमरा सबके अपन भाषा के मान्यता दियेनाइ अछि। ताहि बीच में अपने के स्टेट रिओर्गनाइजेशन बिल अबै छै आ तकर बाद एकटा परिदृश्य बनि जाइत रहै छै जे भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनल। देखियो हम एकटा ई कहऽ चाहै छी, स्टेट रिओर्गनाइजेशन बिल खाली एतबे टा चीज कहै छै जे भाषा टाके आधार पर राज्य नहीं बनत। वस्तुतः एहि एकटा विषय के एकटा बिंदु के खाली यहाँ अपने बुझे के प्रयास करियो, भाषा टाके आधार पर राज्य नहीं बनत आ भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनत, दुनू में बहुत के फेर फेर छै। जहन राज्य बनते तो ओकर बहुत रास तत्व हेतै, ओहि तत्व में ओकर एकटा भूगोल सेहो हेतै, ओकर एकटा इतिहास सेहो हेतै, ओकर एकटा संस्कृति सेहो हेतै, ओकर भाषा सेहो हेतै, उस क्षेत्र के जे आर्थिक परिदृश्य छै सेहो हेतै, जे जे नेचुरल रिसोर्सेज जकरा कहै छी अपने, ओहि चीज के सेहो ध्यान राखल जेतै। राज्य के बनै के बहुत रास अवयव होइ छै, एकटा नहि होइ छै, लेकिन ओहिमे भाषा महत्वपूर्ण अवयव होइ छै, एहि बात के बिसरल नहि जा सकैए। मानल जे आब जे राज्य बनतै ओ मात्र भाषा टाके आधार पर नहि बनतै, लेकिन ओहिमे भाषो एकटा आधार नहि रहतै, ई बात जे सोचै छथि मिथिला राज्य आंदोलनी, ओ संभवतः हमरा जनैत बड़ा भ्रमित दिशा में जा रहल है, किएक तऽ ओनाहियो राज्य नहि बनि जा रहल अछि। एकटा क्वेश्चन लिए राजीव भाई अहाँ, जे भाषा के आधार पर राज्य किया नहीं बने? पहले राज्यो भाषा आधार पर जे गठन भेल रहै, राज्य पुनर्गठन जे जे जना भेल रहै, ओकरो की शंका छै जे भाई भाषा के आधार पर राज्य किया नहीं बने, ओहिमे हर्ज की छै? देखियो एकटा चीज छै कि भारत में ढेर रास भाषा छै, हालांकि भाषा तऽ आब जे छै सरकारी मान्यता के बाद हेबऽ लागि गेलैए, तो 24 संपूर्ण भाषा छै ओ अलग बात छै, लेकिन मानल जाइ छै कि भारत जे छै ओहिमे बहुत रास संस्कृत छै, बहुत रास भाषा रहलैए प्राचीन काल से, ठीक छै। तो ताहि दुआरे
एक आधार पर अगर इकाई बन लगते राज्य के तो संभवतः बहुत छोट छोट इकाई बनते। थोड़े दिन पहले एक भाषा खत्म भेल नाम छे बो, आखिरी बजनिहार बजनिहार महिला आदिवासी महिला खत्म भ गई, तो कि एक आदमी के लगता राज्य बनते कि तो बात है कि निश्चित रूप से भाषा के आधार पर राज्य बने से जो समस्या ठाड़ भैया मातृभाषा के आधार पर वह बुझना आवश्यक है, क्या तो हम आंख मुन लेते रह नहीं हाथ, लेकिन यह बात सत्य है जो आइयो के तारीख में 14 टा राज्य भाषा के आधार पर है और 6 टा केंद्र शासित प्रदेश भाषा के आधार पर है। तो जै देश के कुल 20 टा राज्य अखनो भाषा के आधार पर है ओठाम भाषा आधार नहीं हेते से नहीं है, एक आधार नहीं हेते, क्षेत्रीय आधार हेते, भौगोलिक आधार हेते और बहुत रास आधार हेते, इहो महत्वपूर्ण आधार हेबे टा करते सत्य थे। राम भाई राम भाई अहाँ के भाषा के आधार पर राज्य गठन से की समस्या छे, किया नहीं चाहे छे अहाँ भाषा के आधार पर, और तकर बाद कंटिन्यू करू अहाँ राजीव भाई के सो जवाब। राजीव भाई के सो जवाब देखियो, भाषा भाषा के आधार पर राज्य आप एक बार नहीं बन सके छे अखन वर्तमान में। जेना देखियो महाराष्ट्र में एगो विदर्भ राज्य प्रस्तावित छे, विदर्भ राज्य प्रस्तावित छे अहाँ के महाराष्ट्र में, तो अगर भाषा के ओतो जो आधार मानते तो विदर्भ के भाषा मराठी आ महाराष्ट्र के भाषा मराठी बनते, तो आप उसब राज्य मांग रहा है आप वही आधार पर मांग रहा है जे क्या तो विदर्भ क्षेत्र है बाकी महाराष्ट्र से बहुत पाछू है या पिछड़ल है, क्या तो महाराष्ट्र के नजरिया है कहीं कोस्टल एरिया में जो ज्यादा डेवलप भग गए विदर्भ पाछू है, तो अखन विकास एक मुद्दा बन सके भाषाई आधार पर संभव नहीं है। दोसर बात, अगर मान लिये भाषाई आधार पर खास के मिथिला परिप्रेक्ष्य के बात करी मिथिला के, अगर भाषाई आधार पर अगर से राज्य बनबो करते हैं तो ई बात अलग है जे मैथिली सुरक्षित हेते और एकर विकास हेते, लेकिन संगे संगे को इहो छै जे अहाँ के जे संपर्क भाषा रहते सब जिला में वो अहाँ के हिंदी रह जाए, एक इहो मुद्दा छै। तेकर हमरा लागे जे भाषा ही आधार पर राज आप संभव नहीं छै, एक तो ओकर आरो कारण छै जे लोग सब मैथिली के तोड़ के अंगिका बज्जिका फलना चिलना सब कर रहल छै, वही हिसाब से देखल जाओ तो खाली दरभंगे मधुबनी के लोग अहाँ के सपोर्ट करते भाषाई आधार पर, बाकी बाकी लोग लग अखन तक से वो चेतना नहीं लेन, वो ओकरा बोध नहीं भेलन जे भाई हमर भाषा मैथिली है और छे से हम हमरो राज चाहिए, तो एक तो एक से वो ई मुश्किल काज छे। भाषा के आधार पर जे राज्य छै ते के खारिज कर रहल छै ग्राम भाई कवि भाई, तो एक समस्या छै ने जे भाई जहन भाषे नहि तहन हम बिहार में रही या मिथिला कहा मतलब एक अरियाली इसे की फर्क आम जनता के की फर्क नहीं। देखियो मैं हम ई कह चाहब कि एक तो खारिज नहीं कर रहल छथि और प्रश्न है कि हम खारिज कला से की मान जा रहल छिए, यादि के जस्ट बात जे आवाज उठल के ओकर भाषा ही आधार पर राज्य भले बन गेले, लेकिन ओपन हिंदी के प्रचार प्रसार ओकर छै से महिमा मंडन अइ तरह से मिथिला में भ गेलै हन, जहाँ राज भले कह लियो तकर बादो अहाँ के बुझियो संपर्क भाषा छै से ओकरे वएह रहि जायत हिंदी रहि जायत। एक मिनट ई एकटा बहुत मारुख बात छै जे अहाँ के संपर्क भाषा जे छै से हिंदी रहि जायत, यह प्रॉब्लम राज्य भाई कतौ ने कतौ नेपाली मिथिला के सेहो छै, जेना अठम का लोग सब बिहारी कहत नहीं अगहत छै तखन नेपाल के मिथिला के लोग सब मधेसी कहत नहीं अगहत छै, आ कतौ ने कतौ मिथिला के आइडेंटिटी जे छै से ओ खत्म भ गेल या नेपालो में, आ ई यथार्थ कह रहल छी कतबो अहाँ लंबा लंबा छोड़ी अलग बात छै, तो भाई ओहू ठमा कहै छै कि जे मैथिली लिंग भाषा नहीं भ सकै छै, ओहू का तहाँ कहै छै जे मैथिली लिंग भाषा नहीं भ जाइ छै, तो तहन तो भाई ई मानसिकता इएह ने संविधान में पारित कह दो जे हिंदी छोड़कर कोनो भाषा भारत में रहबे नहीं करते। राजीव भाई देखियो जे जे स्थिति जा रहले है वो तो यह छे, अपने के एक बड़ा हम महत्वपूर्ण बात बता दी जे केंद्र सरकार के जे सांसद होय छे, संसद के एक भाषा समिति छे
जै भाषा समिति के जे चेयर करे छथि ओ गृहमंत्री करे छथि और भाषा समिति के जे लक्ष्य छे ओ ये लक्ष्य छे कि हिंदी के प्रचार केते भेल ते चीज के देखल ते एकटा बात त सत्य छे एकटा बात त सत्य छे जे सत कोनो भी काल में कोनो भी युग में सत्ता जै भाषा के कला के समर्थन देलकै वह कला संस्कृत धर्म भाषा आगा बढ़ल है लेकिन ये लोकतंत्र ठीक है भाई अखन कहला बड़ा सुंदर सनक बात जे संपर्क के भाषा हा के हिंदी रह जाए वो तखन रह जाए वो तखन रह जेते जखन की हमरा सब के मैथिली में शिक्षा के व्यवस्था नहीं भ पबे देखियो मिथिला के जेन कांसेप्ट में बात करे छिए तो स्वतः हमरा सब के भाषा देश जाय पड़ेगा किया ता एकटा और चीज एकटा चीज और महत्वपूर्ण छे कि मिथिला के जेन आ भौगोलिक एकटा मानचित्र बनाबे छिए ओ मानचित्र अहाँ के भाषा के आधार लेने बिना ठीक छे पौराणिक एकटा कांसेप्ट छे अपने के बृहद विष्णु पुराण में मिथिला के जखन नक्शा चल रहल है इहो एकटा बड़ा महत्वपूर्ण विषय छे दूटा तीनटा नक्शा चल रहल है मिथिला के तो ओ नक्शो जे बनल छे किछु गोटा बृहद विष्णु पुराण के सेहो उठा लेलखिन आ तकर बाद जे छे जे लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया छे ग्रेजुएशन के दोनों के लॉ का मर्ज को का बना देलखिन लेकिन वो मैथिली भाषा के नहीं माने छथिन ठीक छे लिंग्विस्टिक सर्वे के जे मूल केंद्र छे मैथिली भाषा तकरा नहीं माने छथिन भाई कहने रहे राम नरेश भाई की भाषा के आधार पर राज्य नहीं बन सकत हम कह रहल छी कि भाषा के आधार पर अहाँ के राज्य बनत भाषा एक महत्वपूर्ण आधार है जरा बिना अहाँ राज्य नहीं लॉ सके छी किएक तो जो अहाँ भाषा के आधार नहीं बनाबे छे अंग एक अलग प्रदेश छे ऐतिहासिक रूप से पांड्रू एक अलग प्रदेश छे ऐतिहासिक रूप से विशाल एक अलग प्रदेश छे ऐतिहासिक रूप से आ जो अहाँ के मैथिली नहीं है जहाँ अंगिका के स्वरूप के स्वीकार कर ले छे बज्जिका के स्वरूप के स्वीकार कर लेते रहे छे मतलब पृथक स्वीकार कर ले छे अहाँ ओकरा मैथिली नहीं माने छे त अहाँ के मिथिला बचैये कत मिथिला में ओतबा टा ना जतबा टा के जतबा दूर मैथिली है तकर बाद बाकी जब अंगिका चले छे से अंगिका अंग प्रदेश भ गेल जत बज्जिका चले छे बज्जी प्रदेश भ जात रहले त अहाँ के मिथिला बचल कते टा के जे मिथिला राज्य के बात करे छथि उनका ए बात के बुझा के चाहिए कि यदि हम मैथिली भाषा के रक्षा नहीं करे छिए ओकर हित के लिए नहीं लड़े छिए काल भ के अंगिका बज्जिका फूट भ के अलग भ छै आइ सुरजापुरी भ गेल अहाँ के कटिहार दिस लगभग 26 लाख लोग कहे छै जे सुरजापुरी बजे छै ओ पूरा क्षेत्र अहाँ के कट गेल त जो ओ सुरजापुरी बजे छै सुरजापुरी मैथिली के हिस्सा नहीं छै अपने के जानकारी के लिए बता दी कि ओकरा जे छै से सेंसस ऑफ इंडिया के हिसाब से हिंदी के बोली ठीक सुरजापुरी शायद 10 साल से ऊपर भ गेल ककरो ऑब्जेक्शन नहीं छै तो जो अंगिका अलग छी तो अंग प्रदेश के बोली भ गेलै ओ सुरजापुरी फुट्टे भ जात रहल अहाँ के ओ अलग प्रदेश के बोली भ जात रहल बज्जिका फुट्टे भ गेलै ओ बज्ज प्रदेश के बोली भ जात रहल तो तखन अहाँ के मैथिली रहल कते दूर जतबा दूर रहल ओतबा के मिथिला छी और एकटा चीज और ध्यान देबै पहिने पहिने जे छलैया ओ पैघ पैघ प्रमंडल सब छलैया आब ओ सबटा व्यवस्था खत्म कल के अहाँ के पुलिस क्षेत्र जे बनायल गेल है ओ समस्तीपुर दरभंगा ई एक दूटा जिला के लऽ के अहाँ के पुलिस क्षेत्र बना देल गेल है जकर नाम राखल गेल है मिथिला ध्यान दे रहल छी अपने जी अपने सब राजीव भाई आबै छी अहाँ लग फेर से आबै छी राम भाई जी कहबा कर छी जे मिथिला राज्य आंदोलन जे छै से जकर स्वर छै ओ सत्ता के कहे अहाँ के समग्र मिथिला के कहे मात्र दरभंगा मधुबनी के किछ बौद्धिक वर्ग धर पहुँच कर रह गेल अछि एना में मिथिला राज्य आंदोलन माने पहिने गेब किया नहीं मानल जाए आ की हम सब जन आंदोलन नहीं बन पेले तो की हम सब जनता के समझा पेलिए मिथिला राज्य किया चाहिए आखिर की प्रयोजन छे मिथिला राज्य के बिहार से अलग मिथिला राज्य किया चाहिए हमरा सब के देखियो सर राज के विषय में तो ये बुझते छी अपने अगर जो राज के जरूरत नहीं रहती रहे तो भारत में 28 राज बनवे कौन काज छले पहिल तो ई चीज छै और राज एहि दुआरे बने छै जे ओतुका जे क्षेत्र छै वो जे विकास जे पिछड़ल एरिया छै अखन वर्तमान में देखियो जे जे पिछड़ल एरिया छै वे राज के मांग कर रहल छै आ खास कर मिथिला क्षेत्र बाकी बिहार से बहुत पाछू छै जो बिहार से जो अलग हुई छे छोट राज्य बने छे
तो केंद्र सरकार के तरफ से जते ओकर जे छै से जे हिस्सा भेटे छै जे संसाधन भेटे छै राज के तौर पर जे आन राज के भेटे छै सेहो अलग से भेटते। अखन तो बिहार में छी हम, अहाँ तो बिहार में भेट रहल छै, तो वो बिहार सरकार के मर्जी छै, मगध के विकास कर लिया, आन क्षेत्र के भोजपुर के विकास कर लिया, अहाँ के मिथिला रहै छै उपेक्षित, ताहि दुआरे राज के जरूरत छै। और दोसर जे अहाँ कहलियै जे आन क्षेत्र के लोग छै से ई चीज के नहीं अति अति कर रहल छै, ई बात हम मानै छी जे दरभंगा मधुबनी के लोग कनी साहित्य अकादमी या फलां जिला में बहुत बेसी हावी छै, दरभंगा मधुबनी के बाहर के लोग के छै से जे उचित सम्मान जे बर्ताव भेटे के चाही वो नहीं भेटले, तो वो सब कनी एहि विषय पर कनी चुप्पी लगने छै। ताहि लेल हम सब जे आंदोलन कर रहल छिए, ई जरूरत छै जे आंदोलन के राम भाई एकटा काउंटर क्वेश्चन आ लिए, तो साहित्यकार तो हेतै 10-15 या 50 टा ने राम भाई, एकटा किसान तो नहीं, किसान के तो नहीं साहित्यकार नहीं चाहिए मैथिली में, एकटा मजदूर के तो नहीं चाहिए, मिथिला राज्य आंदोलन आखिर चाहिए किया है ओकरा से बुझेबे ने, ओकरा पुरस्कार नहीं भेटले तें कि ओकरा मिथिला राज्य से दूर भ गेले राम भाई। नहीं नहीं देखियो, ई हम अनेक कारण में से एक कारण पर ही होयलौ, अनेक कारण में से एक कारण पर ही होयलौ, लेकिन देखियो अगर हम जना अखने ऐसे पहिने भाषाई आधार पर जहां कह रहल छलिए, आई समस्तीपुर बेगूसराय के लोग हमरा ओहिठंग आबै छै त हमरा कहै छै हो नरेश भैया कहाँ चलो खेलो कि नहीं खेलो, आ हमरा ओहो संबोधित कहै छै ओकरा पर हम कनी खिसिया जाइ छी जे भाई अहाँ हो क्या करू अहाँके हम यो कहि रहल छी, तो हम जो ओकरा सम्मान नहीं देबै ओ मिथिला के मैथिली के समर्थन किया करते, इहो चीज छै हमसब आंदोलन खाली दरभंगे मधुबनी में कऽ लेबै ताहिसँ तऽ राज नहीं भेट जेतै, ई जरूरी छै जे हमरा सबके आवाज बाहरियो जिला तक पहुँचे, हमसब ओतुको लोग के आज से खड़ा कर सके आंदोलन में मजबूत करी से अखन तक नहीं भ सके, वो जरूरत से करवा के कवि जी किछ कहा चाहे छथि राजीव भाई कहियो जी राजीव भाई कहियो हम ई कह चाहे छी जे वस्तुतः मिथिला जेते ताके नक्शा कोई बना रहल छथि कोई भी, ठीक छै, ई संपूर्ण क्षेत्र में मैथिलिये छै, एकटा बात से सहमत छी हम जे जे चीज के चर्चा राम नरेश भाई कहला जे किछु अनुचित भेल छै और ए बात के स्वीकार सेहो करे पड़त कि बिना स्वीकार केने जे छै समाधान नहीं छै, लेकिन अनुचित भेल छै त एकटा ककरो ककरो डायलॉग हमरा बड़ा नीक लगैए, त एकटा डायलॉग एहिना छल हम सुनने रहिए छल में छेद केनाइ छै, ठीक छै, यदि हम सब ई जे अंगिका और बज्जिका ठाड़ भेलैए ओकरा पाछा जे असंतोष छै ओहि असंतोष के यदि हमसब दूर कऽ लै छी, ओहि असंतोष के दूर करे पर प्रयास करै छी तऽ हमरा सबके एहि समस्या पर अखनो निजात पाबि सकै छी। अच्छा अपने सेहो हम प्रशांत भाई कहलहुँ जे किसान के तऽ नहि चाही मजदूर के तऽ नहि चाही, ठीक छै ने, ओकरा तऽ मैथिली पुरस्कार के लेल नहि करै छै, वस्तुतः समाज के दिशा जे दै छै भाषा के आधार पर ओ साहित्यकारे दै छै, ई एकटा सत्य रहलैए, तैं साहित्यकारे ई निर्णय भाषा के जे साहित्यकार छै भाषा से जुड़ल जे लोग छै वह निर्णय करते जे हमर भाषा की छी आ ओकरे बात ओकर समाज के बीच में मानल सेहो जेतै, तैं भ रहलैए जे आइ मैथिली भइयो क अंगिका क्षेत्र में जे छै ओहिठाम एकटा अलग भाषा जन्म लऽ रहलै या बज्जिका क्षेत्र जकरा कहि रहल छी हमसब, हालांकि हम ओकरा बज्जिका क्षेत्र नहीं कहे छी, वो मिथिला के केंद्र छी, सीतामढ़ी यदि मिथिला के केंद्र नहीं छी तो और कतौ केंद्र छी, लेकिन खैर अखन हम सब रह दिए तो जे जे ओहिठाम का जे ओ जे शैली छे मैथिली के ओहि मैथिली के शैली के यदि हम राजीव भाई एक मिनट एकटा बात कहली, यदि हम सब ऐसे हम पता कर रहल छी यदि हम एहि हमसब एहि सबटा शैली के एकाकार कऽ ली स्वीकार कऽ लेत रही तो पूरा मिथिला में एकटा भाषा मात्र बचैए वो थिक मैथिली। अच्छा अब हम सब आरो विषय पर चर्चा करी चर्चा के लो चली मान लो, लेकिन यो बात सत्य छै कि यदि हम सब मैथिली के सबटा शैली के स्वीकार कऽ लेत रही तो संपूर्ण मिथिला में मात्र एक भाषा बचे छै वो छियै मैथिली, आ तखन भाषा के विवाद नहीं रहै छै तो ई हमर सब शक्ति बनि जात रहैए, और एहि के लिए लेकिन मेहनत करे पड़तै समाज के लोग के जोड़े पड़तै। राजीव भाई भाषा पर हम सब लगभग 19 मिनट तक चर्चा केनौ हैं लगभग लमसम अब अगलो राउंड में हम सब चाहब जे किछ जे हमर सबके मुद्दा है जे मिथिला राज्य आंदोलन माने की पानि डंगायब
ओहि पर हम सब केंद्रित रही। अपने लोग देख रहा छी समदिया.com मात्र मीडिया ने अहाँ भरोस आ हमरा सबके संग छथि आजुक परिचर्चा में कवि राजीव एकांत आ राम नरेश शर्मा। आबय वाला अतिथि एक और चलते है जे नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते नहीं आ सकला, आदरणीय रत्नेश्वर झा जी, हम सब फिर कहियो उनका से बातचीत करब। क्वेश्चन ओते ठाड़ी है राजीव भाई जे मिथिला राज्य किया चाहिए जनता लग केना हम बुझेबे जनता के तहन ओ जुड़त ने अहाँ के आंदोलन से ओकरा किया चाहिए। देखो मिथिला राज्य क्या कारण से मिथिला राज्य हमरा एहि दुआरे चाहिए जे कोसी पर जे बांध बने वाला छलैए ओ जे पैसा भेटल स्वतंत्रता काल में ओहि पैसा से आय भाखड़ा नांगल परियोजना बन गेल, ओ क्षेत्र जे छै से संपन्न भ गेल, ते हमरा चाहिए। हमरा एहि दुआरे चाहिए कि मिथिला के जतेक नदी छै अपने जानते छी ओ सबटा नदी के सबटा नदी के यदि हम सब कनेक्ट कऽ देत जे कोसी से चले कोसी महानंदा बागमती गंगा सबटा के यदि हम कनेक्ट कऽ दै छी जते ट्रिब्यूटरीज के कनेक्ट कऽ दै छियै तऽ हमरा ओहिठाम फिशरीज भ सकैए बहुत बढ़िया। अपने के एकटा छोट छिन आंकड़ा दै छी हम, आजुक समय में लगभग 27,000 करोड़ रुपया के मत्स्य उत्पादन भारत के भीतर में होइए, जाहि में से 55% जे होइ छै ओ समुद्रक पानि से होइ छै आ 45% जे होइ छै ओ फ्रेश वाटर जकरा कहै छै ओ नदी से पोखरि से तै से होइ छै। आब ई सोचि के अपने के बड़ा सुखद आश्चर्य हैत आ दुखदो सेहो जे अइ 45% जे फ्रेश वाटर छै तै में से 7-8% के क्षमता मात्र मिथिला के छै। कतेक सघन जल संपदा छै मिथिला के तो अपने सोचियो कतेक हजार करोड़ रुपया के जे छै मात्र मत्स्य उत्पादन भ सकै, लेकिन भ की रहल है। आइ दिल्ली में जाओ ओहिठाम 200 रुपये रोहू अहाँ के भेट जायत 1 किलो के, लेकिन मिथिला में खरीद चाहू तो एक तो रोहू जे जीवित रोहू हट्ठे भेटत नहीं, भेटत तो 350 रुपये किलो आ सो 1 किलो के रोहू नहीं भेटत। तो हम ये कह रहा छी ई एकटा माइक्रो लेवल पर मात्र हम बात कलौ, एग्रीकल्चर बेस्ड बहुत रास चीज भ सकै छै। अपने के हम आइ एकटा चीज कह रहल छी कि जे कोसी के पेट के जे छै भाई छोट छोट में जवाब दिया, जी आई नदी के जते चीज छै नदी के अगर परियोजना जोड़े छै तो हम सब छोट छोट इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के केंद्र बना सकै छी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन सकैत रहै छै, ठीक छै। अच्छा कनाल के व्यवस्था से अहाँके पूरा सिंचाई होइए, बाढ़ रुकैए, बिजली के उत्पादन होइए, सिंचाई होइए आ जल यातायात के सेहो प्रबंधन कयल जा सकै छै जे कि अखन कयल जा रहल यऐ बहुत पैघ स्तर पर नहीं सही छोटे स्तर पर सही। तो ई मिथिला के कनेक्टिविटी दै छै भाई, ह्यूमन रिसोर्स मिथिला के आई पूरा देश में नहीं विदेशों में छै आ ओकरा में कते क्षमता छै ई बात के पूरा दुनिया जान रहल यऐ। ई हमरा कहै के आवश्यकता नहीं, हम कह रहल छी हम मैथिल छी तैं हम कह रहल छी से नहीं छी, ई स्थापित सकै छी। तऽ आई ओहि ह्यूमन रिसोर्स के बेस्ड यदि हम नॉलेज टेक्नोलॉजी बेस्ड आईटी होए या कोनो आन तरह से होए यदि हम इंडस्ट्री के स्थापना करे छे मिथिला के भीतर में तो हमरा लगे बहुत ऑप्शन। ओतबे टा किया अहाँ के चीनी उत्पादन के छले पहले, आई के बात हम नहीं कह रहल छी, अहाँ के कागज उत्पादन के छले है, अहाँ लग में बिजली उत्पादन के अछि, अहाँ के लग में दूध मिल छले, अहाँ के लग में अखनो बहुत रास चीज भए सकैए भाई। हम एक चीज कह छी कि जकरा चिनिया बादाम कहै छी ओकर खेती यदि कोसी कुशकन्हा के पेट में हो तो अपने के शायद ज्ञात नहीं है ओहिठाम का माइट सोना उगल देते, ततेक बेसी ओहिठाम चिनिया बादाम के खेती भ सकै छी जे पूरा के पूरा भारत नहीं खा सकत, ततेक बेसी चिनिया बादाम के खेती के संभावना छै कुशकन्हा के पेट में आ कमला के पेट में। ठीक छै भाई, हम सब एना करा कि नहि डिबेट भ रहल छै तमाम मतलब कि विचार गोष्ठी जका नहि तऽ छोट छोट आ जनता जे से समझ सके। राम भाई बहुत रास चीज गिनल कि नहि कवि भाई जे फलना चीज ई जनता के किए नहि कि जनता किए नहि बुझि रहल यऽ अहाँ सब के बात, किए नहि रोड पर ठाढ़ होइ छै जे हमरा मिथिला राज चाही। अनम्यूट करू राम भाई, अहाँ अपन अनम्यूट करू पहले तहन बाजू। हाँ आप बाजू, प्रश्न फिर से कहियो एक बेर। अतेक चीज गिनल कि नहीं, अतेक रास चीज गिनल कि नहीं कवि राजीव एकांत भाई जे मिथिला राज बनला से फलना 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 चीज हेतै, तो ई बात मान लिये मैथिल प्रशांत बुझ गेलै, लेकिन मैथिल प्रशांत के गांव के जे किसान छै ओ किया नहीं बुझ पाबै छै, ओ किया नहीं रोड पर निकलै छै? राम भाई के गांव के किसान किया नहीं रोड पर निकलै छै?
की कहल जाए रोड पर निकलते हो सब रोड पर किया निकल रहा है आ वो आंदोलन में संघ किया अंदर रहा है ये बात तो जे हम सब जे मिथिला के बुद्धिजीवी वर्ग से आंदोलन कर रहा है पर विचार करे पड़ते या फिर हम सब जे माइंड पाइन से जुड़ल लोग है तक आंदोलन से किया नहीं जुड़ सकलिए नहीं जुड़ सकलिए तो की करे पड़ते ये आगू आ दोसर एक हम आरो कह चलो तक अहाँ के दरभंगा मधुबनी के देखी खेतिहर मजदूर किसान है जमीन पर का लोग से आंदोलन में बाहर नहीं आ रहा है बाहरी जिला के जो बात करियो अहाँ तो बहुत कमे लोग बुद्धिजीवी अहाँ के राज के समर्थन में एगो इहो समस्या विकराल है हम सब अपन आवाज बढ़िया जका आनो आनो जिला सब में संपूर्ण मिथिला क्षेत्र जो नक्शा में हम सब देखे छे मैथिली या अंगिका बजिका सहित पूरा क्षेत्र के हम सब दिखा रहा छे जे यह पर क्षेत्र अपन मिथिला छी तो आनो जिला के लोग सब के छै से एबे अग्रसारित करे पड़ते उनको संगे मिल के आंदोलन करे पड़ते आनो जिला में करे पड़ते जे सब जिला के लोग बुझे जे मिथिला हमर छी और एला हमरा राज चाही आ ई जना कवि जी अखन कहलखिन जे बिना राज के विकास संभव नहीं होय छै अगर अगर विकास जो भ जेतै रहै संपूर्ण भारत भारत पूरा भारतीय एकटा राज रहते रहै संपूर्ण भारत में 28 टा राज के कोन काज छै राज के जरूरत छे राज नहीं है तो अहाँ के फैक्ट्री नहीं लगते अखन ओनाहिते हम सब परदेशी भेल छी अच्छे से अपन मजदूरी करे ला से मिथिला से बाहर छी जब राज बनते तो सरकार में अच्छे से अपना राज में निवेश हेते फैक्ट्री लगते हमरा सबके रोजी रोटी होते भेटत कभी जना कहलखिन बिजली सड़क पानी सबके अभाव नहीं हेते तो राज्य के जरूरत छे लेकिन ई विडम्बना कहियो जे हम मिथिला के गरीब मजदूर किसान तक चीज बात अखन तक नहीं होते जते बढ़िया से पहुंचे चाहे नहीं पहुंच सकले एक बाहरियो जिला के लोग सब के संगे जे बुद्धिजीवी सब जे सके मुट्ठी भर लोग छै से वो मन रहे छै और आगा नहीं आबे छै ते लोग सब के आंदोलन करके एकटा सख्त जरूरत छै आंदोलन के एकटा नया धार दे के सख्त जरूरत छै जे दूर तक लोग पहुंचे आ जे समग्र मिथिला क्षेत्र जे हम सब नक्शा में कह रहल छिए ओ हिसाब से सब लोग तक अपन पहुंच बनाबी ई केनाय बेहद जरूरी छै तकर बादे राज्य संभव छै आ दोसर चीज कहब तक अहाँ के बात काटे जकरा जी और दोसरो हम अहाँ कहब अहाँ के अहाँ दोसर सेशन चालू करबे या हम पहली कह दी अहाँ के आरो करबे अखन चर्चा कंटिन्यू छी मात्र एखन हम सब 27 मिनट पार केलहुँ राम भाई चर्चा चलते तो हम फिर आबे छी अहाँ लग हम राजी पाई लग जाए छी कनी काल लेल मित्र लोग अब लोग देख रहे छी अखन समधिया.com मीडिया ने भरोस अहाँ अही स्लोगन के संग हम सब चल रहल छी राम भाई कहलखिन हमरा तखने एकटा क्वेश्चन आयल माथा में राजीव भाई जे अहाँ इतिहास में जे आंदोलन सब देखबे ओहि में साहित्यकार अधिवक्ते लीड करैत रहलिए वै लेकिन एहि दुनू साहित्यकार जे आंदोलनी बनले वकील जे आंदोलनी बनले से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सेहो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेलखिन आ जनता एहिके बीच में एकटा कड़ी छै मीडिया कि ई एहन कारण भ सकै छै कि जे हमरा सब लग एहन सशक्त मीडिया नहीं है जे हमर सबके आवाज जनता धरि नहीं पहुंच रहा लिए हमरा संग हम सब जे कह चाहे छिए से जनता नहीं बुझ रहा लिए राजीव भाई देखियो प्रशांत भाई दोनों चीज छै ई बात अहाँ ठीक कहलिए मीडिया लेकिन मीडिया पहुंचे ते की जन मसला रहते तखन आई जे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जकर चर्चा करे छिए ओकर अगर देखियो अपने एकटा नव स्वरूप आंदोलनात्मक स्वरूप तो भेटैए कतौ नील आंदोलन के नील के आंदोलन में वो अहाँके चंपारण से भेटैए वो गुजरात में भेटैए किसान के आंदोलन से वो नमक आंदोलन भेटैए आम आदमी के नून के जे आंदोलन छलै ते में आम आदमी के हित से भेटैए अहाँके तो बात छै कि अखन जे मिथिला के आंदोलन छै वो या तो मैथिली के आंदोलन छै या जे मिथिला के आंदोलन करै छथि वो मात्र मिथिला राज्य टा के बात करै छथि तो जनहित के बात करै कहाँ छथि वो किसान अखन भाई चर्चा के नहीं अहू प्रश्न पूछने रहियन जे खेतिहर किसान किया नहीं जुड़े गया अरे खेतिहर किसान के हितक बात के लोक मिथिला राज्य के बात के निहार कहाँ उतरे छथि खेत में वो कहाँ दे छथिन धरना वो जे राज्य आंदोलन के बात करे छथिन तो खेतिहर किसान के बात कहाँ करे छथिन ओकर हित के बात कहाँ करे छथिन आम समाज के हित के बात कहाँ करे छथिन शहर में जे आई दरभंगा में देखियो पानी के चारों तरफ जमावड़ा भेल छै जमा भेल छै नाली सब गंध तोड़े छै कहाँ तक बात करे छथिन
आई मतलब अपने देख लेते रहू की डीएमसीएच के की हाल छे, कहां बात करे छथिन, हम दरभंगे के बात करल छी, पूरा शहर नर्क बनल है, गोल चक्कर बनल है, कहां बात करे छथिन, आई पूर्णिया में स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं छे, कहां बात करे छथिन, प्रश्न ई छे भागलपुर में आई जे समस्या भेल छे, कहां बात करे छथिन, तो हमरा सबके राज्य आंदोलन में जाबे तक लोकक बात नहीं करबे ताबे तक लोग जुड़ते केन, अखन तक जे राज्य आंदोलन होत रहले या वो मात्र यह छे कि हम बैनर टांग लेलौं बैस गेलौं आ राज्य आंदोलन कह रहल छी, इवन जे राजनीतिक दल छथि, हम ककरो कोनो एकटा राजनीतिक दल पर नहीं कह चाहब, हुनको कोनो कार्यक्रम अहाँ देखा दिए हन जो जनहित के लऽ कऽ ओ आंदोलन पर उतरल होत, लोक जुड़ते कोना, प्रश्न ई छे, हमरा सबक यह समस्या अछि जे लोक के जोड़े के कार्यक्रम बनाबऽ पड़त तखन जाय पड़त, एहि चीज के लेल आवश्यक भ जाइत रहै छै एकटा संगठन, संगठन आवश्यक नहीं रजिस्टर डेटा होय, संगठन एकटा के तात्पर्य ई छै जे एक तरह के लोक जे सचर जे बुद्धिजीवी छी जे बुझै छी ए चीज के महत्ता के ओ कड़ी जोड़ के लेकिन मुद्दा के लोक आगा बढ़ी तखने हमरा सबके सफलता भेट सके, तखने मिथिला राज्य आंदोलन देखाइयो में आत, लेकिन राजीव भाई का रोड मैप की है यहाँ सब लग के ना, हाँ सब जनता के बुझेबे जो का मिथिला राज्य की आवश्यकता छे, देखियो दूटा चीज होय छे भाई, हमरा ओकर आवश्यकता है छे, ई महत्वपूर्ण चीज छे बुझेनाय, और ओकर आवश्यकता है तो हमरा ओकर हित अनहित के देखे पड़त, कोई गरीब छे तो ओकर समस्या के देखे पड़त, कोई मजदूर छे तो ओकर समस्या के देखे पड़ते, खेतिहर के समस्या के देखे पड़त, साहित्यकार छे ओकर समस्या के देखे पड़ते, सबक समस्या के देखे के अहाँ ओकरा जोड़ के पैघ चीज व्यवस्था अहाँ ठाड़ कर सके छी, तो लोग के जोड़े के लिए सबसे पहले आवश्यक छे कि हम कते लोग से जुड़ पबे छी, हम कते तरह के लोग से अपना आप के जोड़ पबे छी, ओकर कष्ट के बुझ पबे छी, ते हिसाबे से कोनो चीज हेते, अही ठाम जे योजना बनाबे में छे ओ मिथिला के लोग असफल छै अखन तक, मिथिला के पार्टी आ दुर्भाग्य कह सके छी कि मिथिला में एकटा नेता नहीं अछि, कोनो राजनीतिक दल अक्रॉस एकटा नेता नहीं, नेता तो ओकरा मानबे ने भाई जकरा अपना दम पर चुनाव लड़कर जीत सके के क्षमता छे, अपने देख लिया तो रामविलास पासवान आ अखन ओना नाम नहीं लेबा चाहिए पप्पू यादव जी, ऐ दू गोटा के अगर जो बाद बाकी में करो कॉन्फिडेंसे नहीं छे जे हम अपना दम पर लड़ो लेब जीतो लेब, वो तो पार्टी के टिकट पर लड़े थे, पार्टी के वोट पर जीत लिए, तो मिथिला क्षेत्र में आन राजनीतिक दल में जो कोई भी छे वो कोई नेता नहीं छे, वो मात्र अपन पार्टी के कार्यकर्ता टा छे, हटा देते कोनो महत्ता नहीं छे, ओकरा नेता लोग माने छथिन लेकिन हम नहीं नेता माने छे, ओकरा भीतर में जीते के क्षमते नहीं छे, आ बाद बाकी मिथिला नेता नहीं छे, कोनो मिथिला के जे राजनीतिक दल छे वो तो नेता नहीं देखे, ई हमर मंतव्य छे। हां ई एहने टाइप के क्वेश्चन हमरा लग छला राम भाई, हमरा सबके समस्या यो रहल है जे आनो आनो पार्टी में जे हमर सबके प्रतिनिधित्व करै छथि ओ मिथिला मैथिली के लऽ कऽ या मैथिल के लऽ कऽ हुनकर माइंड सेट से नहि रहै छनि, ओ मतलब एकटा कोनो विशेष पार्टी में छथि, पार्टी के नाम नहीं लेब, कोनो विशेष पार्टी में छथि तो ओ ओहि विशेष पार्टी के कार्यकर्ता बुझै छथि, नहि कि ओ मैथिल या मिथिला के बेटा जका अपना आप के प्रस्तुत करै छथि, ई किया एना भावना आबै छै, जहन कि अहाँके महाराष्ट्र में रहै छी राम भाई, सचिन तेंदुलकर के देखते हैं जब वो बड़का बड़का हिंदी स्टेज पर जाए छथिन तो उनकर संबोधन किछ ने किछ मराठी में रहल करे छथिन, लेकिन हमरा सबके जे मैथिल के बड़का छवि वाला भ जाइए नेते अभिनेते तो वो सब अपना आप के मैथिल सबसे पहले बिसर जाइए आ वो अपना आप के ओ चीज के लिए समर्पित कर दिए ओकरा मिथिला मन नहीं रहे छै, की कारण भ सके छै, एकर कारण जी साहब हम एक दूटा नेताजी सबसे इस संबंध में गप के लिए मिथिला के जो माहौल छे एकटा बिहार के जो दूषित राजनीति छे वो बिहार के माहौल के एना बना देने छे जे ओई में साबित कोई नेता जी सबसे मिथिला में कोई नेता नहीं है, नहीं नेता के नाम ले लिया नेता जी के सबके नाम ले लिया, हम आने पार्टी के बात कर रहल छी जे बिहार के जे दूषित माहौल छे राजनीति के दूषित माहौल छे आई में सब की चीज एक पेंच लगा देने छे जे सब साबित करे में हरदम लागल रहे छे जे मैथिली मात्र कोनो जाति विशेष के भाषा छे, अब अही चक्कर में जे नेता मैथिली के मुद्दा मिथिला के मुद्दा उठबहु चाहे छे तो ओकरा ई दिमाग में आवे छे जे भाई
अगर हम मैथिली के बात करें छे तो कि हमरा खाली कोनो जाति विशेष के वोट मिलत बाकी वोट नहीं मिलत ई बात मिला के बच्चा बच्चे के बुझा पड़ते जब हम मिथिला में जन्म लिया हमू मिथिला वासी छी हमरो मातृभाषा मैथिली है जहिया ई बात हम लोग के मिथिला के लोग के बुझावे में हम सब कामयाब भजबे तहिया नेता सब के लगते हमारे वोट बैंक किया और मजबूर हेते और तय दिन से शुरू करते मैथिली में बजने। राम भाई एक बात बहुत सुंदर कहले थे राजीव भाई एक परसेप्शन अहाँ के बनायल गेल जे मैथिली मतलब ब्राह्मण के भाषा परसेप्शन ओहि से एक डेग अगार लो चले अहाँ के जे राजनीतिक पृष्ठभूमि जे छे बिहार के जे राजनीतिक पृष्ठभूमि छे ओहि में हमर मैथिल जे ब्राह्मणेतर नेता सब छथि हुनकर माइंड सेट तैयार कऽ देल गेल छनि हुनका बुझावा देल गेल छनि जे अगर मिथिला राज्य बनतै तऽ ब्राह्मण बैक डोर से सत्ता पर काबिज हेतै लाथे मिथिला राज्य बनबाके लाथे ब्राह्मण सब अपन राजनीति करतै से कतौ ने कतौ एकटा बात पहिले पूरा प्रश्न सुन लिया कतौ ने कतौ ई परिलक्षित होइ छै केना तऽ मानि लिअ साहित्य अकादमी के बात केलखिन केना ने केना जे कारण होय ओकर ओहिमे एकटा ब्राह्मण वाला छवि बनि जाइ छै या दरभंगा मधुबनी वाला छवि बनि जाइ छै तऽ ई सब जे मिथक छै एकरा केना तोड़ल जाय ई सब जे एकटा ठार कयल गेल छै आभासी देखियौ भाई पहिल बात ई छै जे तथाकथित नेता छथि तथाकथित मतलब एमपी एमएलए छथि ठीक छै हालांकि सबटा तऽ झोड़ा उठेनिहार छिया जी हमरा डिबेट के माध्यम सँ हम जतेक भी मिथिला में एहि क्षेत्र के नेता सब छथि सब गोटे के एतबे कहऽ चाहबनि जे ककरो कैलिवर तऽ छनि नहि आ सब गोटे पार्टी के जे छै अपना अपना पार्टी के झोड़ा छाप नेता छिया भले ही वो जीत के एमपी बन जाओ हुनका लग में पैसा रहन हुनका लग में पद रहन वो मंत्री संत्री रहत लेकिन कैलिवर नहीं छन पार्टी छोड़ देते रहता अगला बार अपन सीट बटेने बचेनाइ मुश्किल भवतन देखियो ने अपने दरभंगा के दरभंगा नरेश के हाल तीन बजे जीतल रहे तो हमर कहे के एक छोट छिन चीज जे मात्र मैथिली टा के बात पर किया आबे छी एहि क्षेत्र के एकोटा नेता अहाँ के कहियो चीनी मिल के लेल धरना दे देखायल की नहीं देखायल ना अहाँ के कौन एहन विधानसभा क्षेत्र छै जेठाम छोट या पैघ कोनो मिल नहीं छलैया पहिने कौन एहन लोकसभा क्षेत्र छै जेठाम पैघ या छोट मिल नहीं छलैया कोई देखा की अपने के कांटी थर्मल पावर के लेल कोई बैसित रहे की नहीं बैसित रहे सहरसा में एक छोटकी टा के जल विद्युत परियोजना छलैया भाई ये अपने के ध्यान दिया बच्चा 2008 में जो बाढ़ अयलै ते में वो जल विद्युत परियोजना खत्म भ गेलै कनिये टा के छलै एकदम लघु लघु कह सकै छी ओकरा फेर ओ लगलै की कोनो नेता के लेल बजलै की बात छै जे एहि क्षेत्र के जे नेता छै वर्चुअली नेता छियै ने ई सबटा चाटुकार ठीक अपना अपना पार्टी के और ई बुझै छै कि जा धरि हम चाटुकारिता करैत रहबै झोरा उठाबैत रहबै चाहे ओ एमएलए हुए कि एमपी हमरा टिकट भेट जायल करत एक मिनट भाई रुक जाब हमरा टिकट भेट जायल करत आ टिकट भेट जायत तो हम पार्टी के जे वोट बैंक छै ते वोट बैंक के आधार पर जीत रहत रहब जै दिन ई व्यक्ति के ई अपना भरोस भ जेतै जे हम हमरा लग में ओते वोट बैंक अछि हमरा ओते फॉलोअर अछि हमरा में ओते क्षमता अछि ते दिन ओकर स्वाभिमान उठ के ठाढ़ नहीं भ जेतै से रहते कोना से छै नहीं मिथिला में जाबे तक नेता नहीं है ताबे तक न मैथिली के बात करतो न मिथिला के बात करतो न मैथिल के बात करतो न केसी कृषि के बात करत न बाढ़ के बात करत नहीं ठम का उद्योग के बात करत नहीं ठम का समस्या के बात करत अथी कवि भाई अहाँ के इंटरप्ट करो चाहे राम भाई अहाँ इंटरप्ट करबे कवि भाई अहाँ लग आयब अहाँ लग फिर से हम आयब लेकिन अहू के आंदोलन के हुक्बानी जे एकटा विधायक तक जीता ली एकटा मुखिया तक जीता ली एक प्रश्न के अहाँ उत्तर देब राजीव भाई लेकिन राम भाई किछु कहऽ चाहे छथि पहले हुनका सुन लिया हम ई कहऽ चाहे छलहुँ जे मिथिला में नेता कतऽ से थे पूरा हम पूरा लगभग आधा पूरा भारत लगभग भ्रमण कयने छी हम ओहि में ई देख लिया आई हम महाराष्ट्र में छी महाराष्ट्र में की होइ छै एतुका स्कूल के किताब से लगकर पाठ्यक्रम से लगकर एवरीथिंग में महाराष्ट्र के अस्मिता छै इतिहास छै एतेक बेसी दोहरायल जाय छै जे बच्चा के गर्व हो लगै छै जे हम एकटा मराठी आदमी छी आ संगे संगे ओकरा पहिले सिखायल जाय छै तू एकटा मराठी छै तकर बाद तू एकटा अपना तू हिंदुस्तानी सेहो छी ओकरा जते गर्व होइ छै मराठी होइ पर ओते गर्व होइ छै आगे हिंदुस्तानी होइ पर लेकिन बिहार में की छै आइ राज ठाकरे बम्बई में बैठ के हिंदी की जे गरियाबै छै तऽ हमरा मिथिला के लोग के दिक्कत हो लगै छै लेकिन की मैथिली कोई गरियाबै छै हमरा से दिक्कत होइ छै की
नहीं होइ छे। हिंदी में गरिया बजे राज ठाकरे तो हम सब दरभंगा में आंदोलन कर लगे छे, राज ठाकरे के उल्टा सीधा खुद गरियावा लगे छे, जबकि हिंदी मिथिला प्रांत के भाषा नहीं छे। हाँ राष्ट्रभाषा अपना एक संपर्क भाषा के रूप में हम सम्मान करे छे, लेकिन राज ठाकरे जो हिंदी भाषी गरिया बजे तो हम अहाँ की हमसाई छे खिसियाई छे आई बोला बजे छे कि ई भावना मैथिली के प्रति हमरा सबके यह। तो हमरा सबके जो मानसिकता है से राष्ट्रवादी मानसिकता बेसी छे, अजय राज्यवादी होइ छे। हम जेना महाराष्ट्र कहलौं एतुका लोक राज्यवादी सेहो छे, महाराष्ट्रवादी सॉरी राज्यवादी सेहो छे आ राष्ट्रवादी सेहो छे, लेकिन मिथिला के लोग मिथिलावादी कम आ राष्ट्रवादी बेसी छे। अहाँ के राजनीति की जो बात कर रहल छिये, दिल्ली दिल्ली में कलकत्ता में बम्बई में कोनो मेट कांड भ जाए तो बिहारी नेता सब मिथिला के नेता सब ओ मुद्दा उठबै छे, लेकिन अहाँ के दरभंगा मधुबनी पूर्णिया सहरसा या जो भागलपुर में कोनो मैटर भ जाए वो मुद्दा नहीं उठबै छे। तो लोग ये राज के अथी केना जब तक ओकरा में छे से अपना राज के प्रति वफादारी नहीं हेतै, तब तक छे से जे क्षेत्र में छे ओ क्षेत्र के प्रति वफादारी नहीं हेतै, लोग केना केना ओकर समर्थन करते। आई जेना गेम करू उदाहरण में राज ठाकरे हिंदी भाषी करी आबै छे तो दरभंगा मधुबनी पूर्णिया सहरसा के लोग कूद के रोड पर आबै छे किया करल के हिंदी के कि मैथिली के प्रति भावना छे, अहाँ मैथिली कोई अपमान कर दिल तो हम सब रोड पर आबै छे कहियो आवाज उठबै छे नहीं उठबै छे। तो हमरा सबके ऊपर जो राष्ट्रवादी मानसिकता राष्ट्रवादी या हिंदीवादी दूटा चीज देखियो हिंदीवादी और राष्ट्रवादी दूटा मानसिकता बहुत बेसी हावी होइ छे, 99% हावी भ गेल छे। अगर ये 50-50 रहते रहे 50% राष्ट्रवादी रहती है 50% राज्यवादी रहती तो हमारा अपना क्षेत्र के प्रति हमारा बहुत गर्व रहते रहे, लेकिन से नहीं छे हम सब 99% से राष्ट्रवादी भ गेल छे आ 1% अपन छे से क्षेत्रवादी छे। हिंदी हिंदी 99% हम हिंदी के राष्ट्रवाद के मूल एक अथी बुझे छे जे हम हिंदी के जो कोनो चीज कर रहल छे तो हम देशभक्ति कर रहल छे। तो ई लोग के बुझा पड़ते जे भाई अपना हिंदी के अलग महत्व छे, वो संपर्क भाषा के रूप में हम तो सम्मान करे छे, लेकिन हमरा सबके आपसी जे भाषा छे वो हमर मातृभाषा या आपसे हम बात करे के चाहिए। एक छोट उदाहरण अहाँ के बता दी, अहाँ के राजस्थान के जे एतेक जिला छे किछ भरतपुर सबके छोड़ दियो तो बाकी बाड़मेर और जोधपुर फलना जिला छे दोनों के भाषा में बहुत बेसी फर्क छे, लेकिन तैयो दूटा मारवाड़ी आपस में जे बात करे छे वो मारवाड़िये में करे छे। किया करे छे हम क्या करे छे बेगूसराय के लोग हमरा लग आवे छे तो हम आपस में हम सब किया हिंदी पर क्या कहे छे हम सब किया नहीं छे अपन मातृभाषा के भले जय टोन में वो बाजे छे हम वही टोन में स्वीकार करिए और हम जय टोन में बाजे छे वो स्वीकार करे किया ना भाव आवे छे ना। अइ दुआरे कि ई सबका कारण छे राष्ट्रवाद एते बेसी हावी भ गेल छे आ एकर मेन स्रोत छे हिंदी छे, लोग बुझे छे हम देशभक्ति के मतलब बुझे छे हिंदी के भक्ति। हां ई बहुत महत्वपूर्ण बात है राम भाई, राम भाई राम भाई बहुत महत्वपूर्ण बात कहले कि राजीव भाई देशभक्ति के मतलब हिंदी है, मैथिली बंगाली तमिल तेलुगु पंजाबी मराठी कन्नड़ ई सब नहीं भाई। देखियो देश तो लगभग 1000 साल से जे छो प्रतंत्र रहल अलग अलग जगह के जे छे फ्रांसीसी आयल डच आयल ब्रिटिश आयल मुगल आयल अफगान आयल सब अयले एठम, लेकिन पूरा भारत केकरो कब्जा नहीं कैल भले ठीक से अगर ब्रिटिश के छोड़ दियो ब्रिटिश के बहुत सफलता भेटल छले या, लेकिन केकरो पूरा भारत नहीं कब्जा कैल भले कारण यह छले भाषा जे छले ना वो एकटा अवरोध छले ओकरा जे के कारण से वो संपूर्ण भारत में अपन रूट नहीं बना सकले जाबे जाबत एक ठामक परिवेश के देख के चिन्ह के ओठाम अपना आप के एडजस्ट करे के प्रयास कलके ताबत ताबत बहुत समय बीत जात रहले दोसर क्षेत्र में जाए में बहुत समय लगले ये एक अवरोध छो छे। आज जे तरह से हिंदी के हम सब आगा बढ़ा दिलिए है तो ऐसा एक बात तो जरूर छे क्षेत्रीयता के क्षेत्रीयता यदि क्या दिक्कतों हो छे प्रशासन के चलावे में, लेकिन आज के डेट में जेहन तिथि में अगर देखिए जैठम जे मूल भाषा छे जे राजकाज के भाषा छे ओकरा लोग नहीं बुझे छे ओहिठाम तो भाषा एक अवरोध करे छे जरूर प्रशासन के चलावे में, लेकिन मिथिला सनक क्षेत्र में जैठम लोग हिंदियों के ओहिना बुझे छे जेना मैथिली के बुझे छे ओहि जगह पर मैथिली भाषा के संरक्षण केनाई बड़ा आवश्यक छे किया तो हिंदी तो अहाँ बुझिए रहल छी अहाँ के संवाद में दिक्कत नहीं भ रहल है, लेकिन अपन भाषा के रक्षा केनाई बड़ा आवश्यक छे
खैर ये तो भाई हम दोसर विषय पर चल गए। राम नरेश भाई जे छथि ओ भाषा के आंदोलन में बहुत निक लोग थिका, बड़ा उचित बात सब कहै छथि, ए विषय पर अपना सब चर्चा कर चुकलो। हमरा सब के छले मूल मुद्दा ये छले जे भाई मिथिला राज्य आंदोलन के मतलब की पानी डंगेब ए दुआरे जे कोनो फलाफल नहीं देखे छे, जे कम से कम धरातल पर ओकर चेन चाक नजर आवे न, अरे सौ 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 प्रतिशत नहीं सही, एको प्रतिशत जनता तक कहे हमारा मिथिला राज चाहिए। राजीव भाई अहाँ समग्र में जवाब दे, 300 साल के कहे तथाकथित आंदोलन हमर सब के है, हमहू माने छे तथाकथित की हमहू माने छे, मुदा अहाँ के 1% जनता जकरा ई मन में ओ मैथिली बाजे छे ओ बहुत गर्व से कहत जे हम मैथिल छी हो, लेकिन ई बात ओकरा अभिव्यक्ति नहीं भ पाबे छी तत जतो ओकरा करबाक चाही। आइ से पहले हमरा याद ही हम सब बहुत छोट नहीं रही किशोर अवस्था में रही तो एक रामचंद्र यादव को कबेल करत मनपुर घर रहन आ ओ बाद में सलाह चल गेला आ ओ अहाँ के CPI में से जुड़ल रहे, ओ जहन CPI से अलग भेलखिन तो एक बहुत बड़का अहाँ के धरना प्रदर्शन मधुबनी के टाउन क्लब में कने रहती, लेकिन ओहन आंदोलन फेर से देखल नहीं गेलिए। 2013-14 में अहाँ के रथ यात्रा आरम्भ भेल, ओहो एक क्वेश्चन छले हमरा लग रथ यात्रा आरम्भ भेल, लेकिन ओहिसे पहिले हो 90s के दशक में चुनचुन मित्रा सब एक बस यात्रा केने रहे, बेर बेर कुबेर होत रहलिए, लेकिन अत्ते के अछै तो 1% जनता अहाँ सबके संग नहीं है ना, समस्या ओत छ। कवि भाई राम भाई बेरा बेरी दोनों गोटे जवाब दिए पर आजादी के बाद मिथिला राज लाया मैथिली भाषा लाया संगठित नहीं भ सकली, आजादी के जस्ट बाद प्रयास जानकी बाबू से प्रयास केने छला लेकिन वो सफल नहीं भ सकले, तकर बाद 90 के दशक में ही आंदोलन छे से कनी एकर शुरुआत देखलिए आ ई छे से एकर शुरुआत भले 90 के दशक में तो लेकिन की छे देखियो 90 के दशक के बाद सत्ता परिवर्तन भेले, देखियो हमरा एक एमे कहे में कोनो लाग लपेट नहीं छे, अहाँ सके भले भस गए छी जे अहाँ कहबे जे अहाँ सब ब्राह्मण के विरोध कर रहल छी, लेकिन से बात नहीं छे। 90 के दशक से पहले अहाँ देखियो तो सबटा जते सरकारी ऑफिस से या फिर सरकार के संगठन में देखियो मैक्सिमम एक जाति विशेष के ओतछि से बहुलता छले आ सबटा काम काज ओकरे अंदर में होय छले। 90 के दशक के बाद ई परिपाटी टूटले आ आप समाज के जो वो निचला तबका छले तकरो पास सत्ता गेले ओकरे अधिकता ओमे भ गेले, ओई के 90 के दशक के बाद जे आंदोलन शुरू भेले तो एहि में लोग के माइंड में ई बात चल गेले जे भाई ब्राह्मण छे से सत्ता से अखन बेदखल छो, ई 90 के दशक कांग्रेस के जे सत्ता छले पहले के जते छले या कोनो पार्टी के छले तो ब्राह्मण बहुत आयत से छले, अहां भले नौकरशाही में कहियो चाहे अपना राजनीति में कहियो बहुत आयत से छले, तो लोग के एकटा ई नेता सब एकटा चीज परसेप्शन बना देलके हैं जे भाई अगर ई सब मिथिला राज के बात एहि दुआरे कहै छो जे ई सब 90 के बाद सत्ता में से बेदखल भ गेलै हन, ई सब पुनः छे सत्ता में हावी होय दुआरे छै मिथिला राज के बात कह रहल छै, तो ई हम माने छी जे गलत अथी छै कि मिथिला में जे जन्म लेलकै ओ बच्चा बच्चा मैथिल छै, मिथिला के प्रति ओकर छै से वएह समर्पण होय चाही जे आन राज के लोग के अपना क्षेत्र के प्रति जे रहै छै, तो ई गलत प्रशासन के जे अथी भ गेलै तहि दुआरे छै से समाज के दोसर वर्ग छै ओ आगू नहीं आबऽ चाहै छै नहीं अथी हुआ चाहै छै, ओकरा सबके लागे छै जे कोनो जाति विशेष फिर सत्ता में के अधिकता भ जेतै आ ओ सब बैकडोर से हमरा पर राज करे पूरे कोनो शासन करे चाहिए, तो ओ छै से एकटा की कहै छै एकरा सब सब जाति विशेष के एकटा जे समगर्ता जे प्रयास रहतै राज्य में या जे अपना नेतृत्व रहतै से मिथिला राज्य भेटला पर नहीं हेतै, तो हमरा सबके अहू सब पर समाधान करे के चाही अहू पर अथी करे के चाही, अही सबके संबंध में कहै छी हम सब यह सब चीज तो बुझावे ला हम सब सुच्चा मैथिल के शुरुआत केने रहिए जे भाई तू मिथिला में जन्म लेली हां मिथिला के बच्चा बच्चा चीज उ मैथिल छे आ ओकरा मिथिला के प्रति ओकर अपन जिम्मेदारी छे ओकरा हर आदमी के समर्पित भाव ओकरा निभावे के चाही, तो ई एकटा छे एकरा पर और काज करे के बहुत जरूरत छे, एकटा प्लानिंग क के छे से ई चीज के ई करे पड़ते, हम सब ओना प्रयासरत छिए जे भाई ई जे गलत परसेप्शन आबि गेल छे तकरा एकरा हटाबी, राज मिलते तो सबके फायदा भेटते ना खाली कोनो वर्ग विशेष के नहीं भेटते, आ सत्ता में भागीदारी कोनो वर्ग विशेष के ते सेहो नहीं भसकै छे,
सब के पर काज करना बहुत जरूरी है, लोग के समझाना बहुत जरूरी है, जेना करो जे दरभंगा मधुबनी या सहरसा के बाहर के लोग के समझाना बहुत जरूरी है, जे भाई मिथिला तोरो छियो एकरा लेल तोरो काज करे के चाहिए, तहिना जे मिथिला के जे गैर सवर्ण छे तकरो ई बात ही बुझा पड़ते बढ़िया जे कहां जे भाई मिथिला हमरो छी, ए मातृभूमि के प्रति हमरो की फर्ज है वो अदा करी टा पड़ते, तो ई ई चीज पर छे जे काज करना बहुत जरूरी छे। देखियो कभी राजीव भाई, राजीव भाई, राजीव भाई एक बात तो सत्य छे, राम भाई जे बात कही रहल छे वो फैक्चुअली करेक्ट छे, एहि दुआरे कि जे मिथिला के जे सामाजिक परिवेश रहले है कतौ ने कतौ ब्राह्मण के वर्चस्व रहले है, ई बात आहां स्वीकार करो पड़त, तो ई एकटा आदंक तो इतिहास के जहन पलटेते पन्ना तो आदंक तो रहते ने भाई, देखे लेल अहां सब की प्रयास करै छी। जी पहिल बात तो ई अहां के बहुत रास प्रश्न ड्यू भ गेल अछि, एक प्रश्न केने रही जहां एमएलए एकटा एमएलए तहां जिता नहीं सकै छी, फिर तावत वार्ता दोसर दिस मुड़ गेल, फिर चर्चा चले गया। देखियो सबसे पैघ समस्या की छै कि हम सब चुनै केकरा छियै, जतबे लोग छी, राम नरेश भाई के मन में तो हम नहीं कह सकते छन जे कोई जातिवाद वाला चीज छन, वो तो पूरा हृदय से मिथिला और मैथिली के लिए लागल छन, और वह टा नहीं बहुत गोटे लागल छन, लेकिन प्रश्न छे कि हम तो नेतृत्व के रूप में चुनै के करा छी। बिल्कुल, अब एकटा बात अखन देखियो अपने कि पिछला विगत किस समय से नाम लेब तो बड़ा घमर्थन भ जाए छे, लेकिन नाम लेना आवश्यक भ जाए छे, तारा बाबू के नाम लै छी हम, क्षमा करब हमरा, अपने एकटा सीपीएम वाला प्रोग्राम के सेहो चर्चा कयलहुँ, बड़का टाके प्रोग्राम भेलै, सीपीएम केने रहै मिथिला मैथिली नहि केने रहै, ई बात के स्मरण राखब, जहिया तक कांग्रेस भाजपा और अदर अदर पार्टी करैत रहत। राजीव भाई अथी कोनो दल के नाम ले लिया, दल के नाम ले लिया, गर्दा बात करू, जाबे तक कोनो आन राजनीतिक दल के नेता कोनो प्रोग्राम करैत रहत अपने के, ताबे तक वहां के मिथिला राज्य के आंदोलन नहीं भ सकैया। हम कह चाहब जय तारा बाबू रहे, तारा बाबू मिथिला आंदोलन के डुबडुगी लक विदा भेला, आज तक हुनका सब गोटा कहै छन बड़का टा आंदोलनकारी छला है, की केलखिन मिथिला आंदोलन से छल टा केलखिन, मिथिला आंदोलन को उठा के खसा देत रहलखिन, आज ओहि चीज के जे समस्या छे वो आइयो मिथिला राज्य आंदोलन झेल रहल है, की छिया अगड़ा समाज के एकटा व्यक्तित्व अपने के 1992 ईस्वी के बाद जे कहल जाइए मिथिला राज्य आंदोलन आरम्भ भेल, मिथिला राज्य आंदोलन के बीच में क्या गोटा कहता जे तकर बादे आरम्भ भेल, उससे पहिने उनका पते नहीं छन, खैर जे किछो भी हम एकर बादे वाला समय में आबै छी, मिथिला राज्य आंदोलन कऽ के क्या टा धरना प्रदर्शन देखल अपने, अपने के बिहार बंटवारा भेल मिथिला चल गेल देवघर चल गेल, झारखंड में क्या टा अपने संघर्ष देखलहुँ, अपने के भागलपुर में जे छे से अंगिका बनि जात रहल क्या टा अपने देखलहुँ हुनका आंदोलन करैत, अपने के मिथिला में 2004 में जे छे से संविधान के अष्टम सूची में आबि गेल, लोक के रोजगार भेटो, लोक के मैथिली से रोजगार भेटो, शिक्षा के व्यवस्था हो, क्या टा नेता तैयार भेला, एक मिनट में कह दे, एक मिनट के बतिया भाई, एक मिनट के बतिया, 2013 के बादो बहुत रास चेहरा छथि जे मिथिला मैथिली के नाम कऽ के आई अलग अलग पार्टी में अपन अपन पद पर जाकर बैसल छथि, अखनो जे बहुत गोटे कह रहा है वो आगामी चुनाव में कोनो न कोनो राजनीतिक दल के टिकट लऽ कऽ बैस जात रहता, तो जब तक अहाँ हुनका नेता बनाबैत रह तब तक अहाँ केना मतलब ई उम्मीद कऽ सकै छी कि अहाँ के मिथिला राज्य आंदोलन आगा बढ़त, पार्टी आगा बढ़तै जाहिमे ओ जाकर बैस रहता, वो पार्टी आगा बढ़तै, पार्टी का आधार आगा बढ़ते हैं कि मिथिला राज्य आंदोलन का आधार आगा नहीं बढ़त, चाहे वो कोनो जाति तक लोग किया नहीं, तो सबसे पहली बात तो ये है जहाँ के चुनाव एक एहन व्यक्ति को करे पड़त जे यदि मिथिला राज्य आंदोलन के बढ़ावा चाहे छी, जे अपना बात के लकर उद्देश्य के प्रति ईमानदार हुए, नंबर एक, नंबर दू, जकर कथन और करण में अंतर नहीं हो, हम कहे छी जे अगर पिछड़ा में कोनो दिक्कत नहीं छे, हम कहे छी जे हिंदू आ मुसलमान में मिथिला में कोनो अंतर नहीं छे, लेकिन मुसलमान संगे हमरा बैस के कोनो चीज करे पड़े तो से व्यवहार नहीं करे ला तैयार छी हम, हम ई कते पे गलत बात छी, आई अगर जे हमरा ठम के छोट समाज के लोग छे ओकरा हम कहे के लेल तो मुखोत्री कहे छी जे ओकरा अधिकार भेटक चाहिए, लेकिन जे वास्तविक ओकरा संगे व्यवहार करे के चीज छे ओकरा संगे व्यवहार करे काल में अंतर छे, तो जाबे तक हम सब एहन व्यक्तित्व के चुनैत रहब जकर कथन में और करण में फर्क छे अंतर छे, जे हृदय से मिथिला नहीं चाहे छे ओ कोनो न कोनो राजनीतिक दल के लेल मात्र मिथिला मैथिली मुद्दा के उठेने छे, तो ताबे तक हमरा सबके दिक्कत होत रहत, अखनो बहुत रास नेता एहन छथि जे मिथिला मैथिली के बात करता, जखने हुनकर नेताजी हुनकर गुरु जी कह सकै छी जे हुनकर मालिक छथिन से
वो कोनो दोसर पार्टी के टिकट लग ठार भौतिन हुनका प्रचार में लग जात रहता त कि ओइ लग कहां के मिथिला राज्य आंदोलन है हमरा सब के मिथिला राज्य आंदोलन अखन तक एको टाइम एले एमपी एई द्वारा नै द सकल क्या त हम सब अपन नेतृत्व करे के लेल कहन व्यक्ति के नै चुन सकलौ है जे अपन जान त द दिया लेकिन मिथिला मैथिलिक संगे गलत नै करे बिल्कुल व्यक्ति के चुनाव करब पड़त पहिने आ से सबटा प्रबुद्ध व्यक्ति के करब पड़त जाबे तक से हम सब नै करब हमरा सब के जे छै ओ सफलता नै भेटत ई ई हमरा जाने ई हमर बात राजीव भाई ई काज करते के ई जन जागरूकता हम बेर बेर वह क्वेश्चन पूछ रहल छी ने जी जनता के जगेते के ई अलग के जगेते अहाँ के जवाब देव सनी भाई से आग्रह है जो ओ प्रश्न के डिस्प्ले करे जो मंडल जी एक प्रश्न केने छले था दो एक अनुपात वाला सनी भाई अहाँ ताबित अथी करू बड़ा रोचक क्वेश्चन मारने छले था दो एक के अनुपात हाँ मिथिला में दो एक के अनुपात रह जेना ऐ वेबिनार में वक्ता के अनुपात राम नरेश भाई के 1990 के संदर्भ में अति की नाम से इनका रामानंद सर बात एना छे जे समस्या ई छे ने जे हमरा त अथी छी एकमा मॉडरेट कर रहल छी त हम सब राम भाई के रखने छी आ कवि राजीव भाई के रखने छी आ हमरा सब के प्रयास छलै जे मैले दूटा तीनटा चारटा वक्ता हमरा सब के वक्तो नै भेटत रहै छै एकटा हम सब रिजर्व कोटा में रोहित यादव जी के रखने छी जे हुनका आगामी केहो दिन आनब एक ही दिन दुनो गोटा के बजा लेबै तो दिक्कत भऽ जायत त क्षमा प्रार्थी छी हम सब अतो अनुपात जे छै से समान राखऽ चाहै छी त राजीव भाई अब अहाँ जवाब दिअ हमरा जी पहिल बात त अभी कह चाहब जे रामानंद बाबू छथि बड़ा सीनियर व्यक्ति छथिन बड़ा शिक्षित व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति छथिन यदि देखल जाए तो वो जे व्यवसाय छथिन शिक्षक छथिन रिटायर्ड क चुकल खिन हुनका त जब विद्यार्थी रहते तो पैर छुबैत रहतियन तो कोनो जाति के प्रश्न तो उठे नै छै वस्तुतः हम ओहि जाति के हम अखनो आदर दिए छै तमा सब ले अनिके बात हो हम निश्चित रूप से हुनकर बाबा निक लागल निश्चित रूप से रिटायर्ड क चुकल छथि त श्रेष्ठ सीनियर छथिन जो पढ़ने रहते तो निश्चित रूप से पैरो छुने रहतियन क्या बेटा पता नहीं बिल्कुल तो वो जे अनुपात के बात कहलखिन ई अनुपात के बात तो क्रमशः सहभागिता बढ़े छै लेकिन हमरा इहो पता है कि दो एक के अनुपात कहिया एक आ चार के अनुपात में बदल जेते तकर पता नहीं छे आई दू एक छे लेकिन जना ओ कह रहल छै लेकिन कहिया ई एक आ चार के अनुपात भ जात रहते तकरो कोनो ठेकान नहीं छे कहते मिथिला के जे असली शक्ति छे ओ समाज अखन तक जुड़ले है कहां ठीक से ए राज्य आंदोलन से और नहीं जुड़ले के कारण यह है कि देखे छी वह चीज सब जे चीज के हम चर्चा केलौं अपने के जे हम सब ओहन लोग के आगा बढ़ाबे छिए जे लोग मिथिला मैथिली के आंदोलन संगे छल करे छे लोग के भावना संगे छल करे छे अब अपने एकटा प्रश्न पूछतो जे ई अलख जगेते केना आ के भाई भाई एकटा बात हम अहाँ अपने के जान लियो जे सबसे पहिल बात तो ई छे कि ई अलख ओ जगेते जे समाज के बीच छे ओकरो दायित्व छे और ई अलख ओ जगेते जेकर एकटा चरित्र छे समाज चरित्र के फॉलो करे छे व्यक्ति के जे नैतिकता छे ओकर जे नैतिक बल छे तै से प्रभावित हो छे ओकर सौंदर्य और रूप गुण से प्रभावित नहीं होय छे बहुत लंबा समय तक अतहु खास क एक तरह मिथिला राज्य आंदोलन सनक जे चीज छे तै आंदोलन में जे लोग जुड़ते जेकरा पैसा कोनी के जरूरत होते से त जते दोसर दोसर पार्टी में जुड़े के लेल जे मिथिला राज्य आंदोलन संगे जे मिथिला राज्य आंदोलन संगे जुड़ते वो व्यक्ति जे छे नैतिक बल देखते तो नैतिक बल के स्थापना केनाई ओकरा समाज के बीच में स्थापित करे में समय लागे छे आ ई हमरा आगे काज करे पड़त जे हम अहाँ छिए जे अखन दर्शक में छथिन जे देख रहल कि जे नहीं हो देख रहल कि ने वही सब व्यक्ति के एक सही आदमी के चुनाव के आंदोलन के सही दिशा देव पड़ते ई काज हमें यहाँ मित्र लोगन अपने लोगन देख रहल छी अगर samadhiya.com मात्र मीडिया ने अहाँ भरोसा आ हम सब चीज समधिया परिचर्चा के संग उपस्थित हमरा सब के संगे छथि राजीव झा एकांत एकावि एकांत आ हमर सबक प्रिय भाई राम नरेश शर्मा जी तो हमरा सब लग हमर सब के जे प्रोड्यूसर छथि ओ बेर बेर हमरा ओ मैसेज के माध्यम से इशारा कर रहल छथि जे समय एक्सीड कर रहल छथि राम भाई अंतिम में आबि गेल छी हम सब अंतिम में अहाँ के अंतिम रिमार्क अंतिम वक्तव्य चाहब अहाँ सब जे की मिथिला राज्य बनतै एहि संबंध में हम कहब अखन तक हम समर्थन में कहलहुँ जे मिथिला राज किया चाही आब हम एकर उल्टा कह रहल छी मिथिला राज किया नहीं चाही जब तक दरभंगा मधुबनी के बाहरों के लोग नहीं बुझ जाए जे हम मिथिला वासी छी तब तक राज नहीं चाही
जब तक दरभंगा मधुबनी के बाहरों के लोग बुझे हमारे मातृभाषा मैथिली है, हम मिथिला के छी, तब तक जब तक नहीं बुझे तब तक हमारा मिथिला राज नहीं चाहिए। हमारा सबसे पहले जरूरी चीज आंदोलन के मजबूत करी आ दरभंगा मधुबनी या सहरसा के बाहर के लोग की बात बुझावे प्रयास करी जे अहूं के मातृभाषा जे जे टोने बाई तो है मैथिलिये छे आ अहां के राज जे अहां के जे अहूं मिथिले क्षेत्र के लोग छी, जब तक ई बुझ नहीं जाए तब तक हमारे कतनो हम सब प्रयास करी ई मिथिला राज आंदोलन पाइन डेंगाना ये के बराबर। बिल्कुल राजीव भाई की बनता है, निश्चय बनते मिथिला राज्य आंदोलन, ये मिथिला राज्य एक सत्य थी के, और यो बात सत्य छे जे मिथिला जहन बनते तो मैथिली के संगे टा बनते, वो समस्त शक्ति जे ई कह रहल छथिन जे मिथिला राज्य आंदोलन और मैथिली के कात को देत रहियो अंठा दियो, वो समस्त शक्ति ये राज्य आंदोलन से आगा पाछा हटिए ता फेंका जात रहता, मिथिला बनते मैथिली के संग बनते यह टा सत्य छे। हाँ तहन एक चीज इहो छे, मैथिली लोक भाषा छले अपन लोक भाषा स्वरूप के वापस पेते आ सब गोटे के समेट का तखनी राज्य आंदोलन उठा रहे थे। बिल्कुल अही नोट के संग अही आशा विश्वासक संग जे मित्रा राज्य एक दिन बनते तकर लेल प्रयास बहुत रास कैल जा रहल छे, बहुत रास समस्या सब आंदोलन के रहले है, फंड के समस्या छे, जन जन आंदोलन में जनता नहीं जुड़ पाबि रहल छै, ओ समस्या छै, जन जागरूकता के समस्या छै, मिथिला अधुकाल से थोड़े गरीब रहले है, बौद्धिक लेवल पर भले ही अगर लग ज्ञानक भंडार होय मुदा लक्ष्मी जे छै लक्ष्मी बेटी होय तो एहिठमा से लक्ष्मी कनिक रुष्ट रहलखिन है आमजन से, तो बहुत रास समस्या सब छै, लेकिन हमर आंदोलन कर्मी सब आश्वस्त छै जे मिथिला राज्य बनते। समधिया.com अपने लोगन के मिथिला राज्य आंदोलन से संबंधित जे श्रृंखला आरंभ केलक है केहन लगे है अपने लोगन कमेंट करी आ हम सब कंटिन्यू रखबा के प्रयास करब, अगलो सीन का कोनो नव विषय नव विमर्श के संग उपस्थित है। अपने लोगन देख रहल छन अखन समधिया.com प्रोग्राम के प्रोड्यूस आ तकनीकी पक्ष समय रहल छले त अक्षय आनंद सन्नी, अहां सब जे देख देलिए ते के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। त नमस्कार, जय मिथिला।